Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम डिस्कस करने वाले हैं अंतिम वार सीरीज में डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस के बारे में. डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस आपका सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दे रखा है. इससे पहले हमने TPA में एक और डॉक्ट्रिन को डिस्कस किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर को. आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा. उसी के फदरेंस में हम आज एक और डॉक्ट्रिन के बारे में पढ़ेंगे. जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है, हम लोग अंतिम वार सीरीज चला रहे हैं CUET PG LLM के लिए. ये पेपर आपका 11th ऑफ मार्च के बाद होना है, तो डेफिनेटली इस पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिसको इजी करने के लिए माइनर लॉज काफी पूछे जा रहे हैं, तो हमने ये सीरीज चलाई है. तो यहाँ पर ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल डेफिनेटली होगी. मेक श्योर कि आप हर एक लेक्चर को जरूर देखें. लाइव सेशंस भी हमने काफी लिए हैं और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड यहाँ पर पोस्ट करे गए हैं. तो TPA के भी अब कुछ मतलब आगे के वीडियोस में मैं लेक्चर्स लेके आऊंगी यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर, CUET PG नेविगेटर LLM एक्सपेडिशन 2024 आपका स्टार्ट हो रहा है आज 5th ऑफ फेब से. जी हाँ, 5th ऑफ फेब से ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है. 40 प्लस लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलेंगी. इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होगा. MSing10 ये रहा कोड जो आपको यूज करना है अगर आप इस बैच में एनरोल करने में इंटरेस्टेड हो. MCQs बेस्ड पेपर होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे इस बैच में. फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो. अचीवर्स बैच 2.0 25th ऑफ जैन से लॉन्च हो चुका है CLAT PG एंड अदर LLM एग्जाम्स 2025 के लिए. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड MSing10. फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. इसका आपको यहां पर 500 प्लस लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा. इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, साथ ही साथ इन क्लास PDF भी प्रोवाइड करी जाती है. CLAT PG प्लस प्रोग्राम में डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, इन क्लास PDF प्रोवाइड करी जाती है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं जो आपको मिलेंगे. टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये रहा, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया स्कैन करो, उस पर ज्वाइन कर लो. सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी रिलेटेड टू लाइव सेशंस, रिलेटेड टू स्पेशल क्लास एंड लाइव क्लासेस. अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में. आज का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस. ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस नाम ही अजीब है थोड़ा, है ना, या फिर लिस्पेंडेंस होता क्या है. तो लिस्पेंडेंस के बारे में जानने के लिए, इसके बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट है इसका मतलब जानना. लिस का मतलब होता है लिटिगेशन, एंड पेंडेंस का मतलब होता है पेंडेंसी. तो इसका मतलब हो गया लिस्पेंडेंस का मतलब पेंडिंग लिटिगेशन. अगर कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग पड़ी है तो उस वक्त क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी ही मिली जुली बात इसके बारे में है. तो ये डॉक्ट्रिन आपकी वेल नोन मैक्सिम पेंडेंट पेंडेंट लाइट निहिल इनोवेचर, आपका ये डॉक्ट्रिन इस मैक्सिम पर है. ठीक है, वेल नोन मैक्सिम पर बेस्ड है, जिसका मतलब होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन. ठीक है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस्ड. जब लिटिगेशन आपका चल रहा होता है तो उस वक्त पे आप नया कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. लिटिगेशन ऑलरेडी है तो सीधी सी बात है कोर्ट के सामने आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं. जब कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो उसी पुराने फैक्ट्स पर हो रही होती हैं. आप किसी नए फैक्ट को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो. तो इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस है कि जब ये पेंडिंग लिटिगेशन होता है तो आप कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो. इस डॉक्ट्रिन में यही है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सूट, कोई भी सूट चल रहा है जो कि टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी के टाइटल को लेके इश्यू है. ठीक है, अगर कोई भी सूट उस पे चल रहा है तो कोई भी नया इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में क्रिएट नहीं किया जा सकता है. अब आप समझ लो कि जिस प्रॉपर्टी के टाइटल को लेके कोर्ट में मुद्दा चल रहा है और वहीं पर आप बात करने लग जाओ कि हाँ भाई थर्ड पार्टी को आप बेचने लग जाओ. मान लीजिए अभी तक आपकी प्रॉपर्टी थी वो, लेकिन अब टाइटल को लेके अगर वो कोर्ट में है केस, तो
इन दैट केस आप उसको कुछ उस प्रॉपर्टी के साथ कोई भी छिड़खानी नहीं कर सकते हो, आप उस प्रॉपर्टी को किसी को भी बेच नहीं सकते हो, लेकिन आपको क्या लग रहा है तो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली मेरी, तो मैं ये प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकता हूँ। नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि टाइटल पर ही क्वेश्चन है, टाइटल पर क्वेश्चन है। भले अभी तक आपके पास प्रॉपर्टी थी, क्या पता कल आपके पास ये प्रॉपर्टी रहने भी वाली है कि नहीं, क्या पता सामने वाली पार्टी को टाइटल मिल जाएगा। इसलिए जब तक लिटिगेशन पेंडिंग होता है उस टाइम पे कुछ भी नया नहीं क्रिएट किया जाता है, उस पर्टिकुलर टाइटल को लेके कोई भी इंटरेस्ट नया क्रिएट नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस जो होता है वो ट्रांसफर को प्रोहिबिट करता है विद रिस्पेक्ट टू दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ट्रांसफर नहीं हो सकता है। अब ये डॉक्ट्रिन आपका बेस्ड है, ये डॉक्ट्रिन आपका बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे एंड प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी पे। इन कुछ चीजों पे आपका ये जो है डॉक्ट्रिन बेस्ड है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड द नेसेसिटी, इन सारी चीजों पर आपका ये डॉक्ट्रिन बेस्ड है। तो अब इससे क्या होता है, इससे ये है कि भाई इक्विटी के प्रिंसिपल्स यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। नेसेसिटी है, इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है कि भाई जब लिटिगेशन चल रहा है तो ऑलरेडी किसी को बता दिया गया है, ऑलरेडी पता है दोनों पार्टीज को, तो अब इसमें हमें एक्चुअल में आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं थी, इसका आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस था। ये डॉक्ट्रिन इमर्ज हुआ था इन द केस ऑफ बेलामी वर्सेस सबाइन, बेलामी वर्सेस सबाइन के केस में आपका ये डॉक्ट्रिन इमर्ज हुआ था। ये लैंडमार्क जजमेंट है जो आपको पता होना चाहिए 1857 का, जहां पर कोर्ट ने कहा था कि इस डॉक्ट्रिन की जो फाउंडेशन है वो इक्विटी और नेसेसिटी में लाई करती है। अच्छा, ये जरूरी है कि नीदर पार्टी टू द लिटिगेशन शुड एलियनेट दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पार्टी, ऐसा नहीं है कि मेरा टाइटल है तो मैं ही नहीं बेच सकती हूँ, नहीं, अगले का टाइटल नहीं है लेकिन वो समझ रहा है मेरा टाइटल है तो वो भी नहीं बेच सकता है। उस प्रॉपर्टी के टाइटल को कोई भी एलियनेट नहीं कर सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी को? जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, जिससे कि किसी ओपोनेंट को दिक्कत ना हो, ठीक है। ये डॉक्ट्रिन पार्टीज को प्रोहिबिट करता है प्रॉपर्टी को एलिनेट करने के लिए कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाय प्राइवेट डीलिंग, जो कि रिजल्ट कर सकता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ द डिग्री में। तो ये हो गए आपका बेसिक एक इंट्रोडक्शन। कमिंग टू द एसेंशियल्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर वन एसेंशियल यहाँ पर यह है कि सबसे पहली जो चीज है वो है कि पेंडेंसी होनी चाहिए। किस चीज की? पेंडेंसी सूट की होनी चाहिए या फिर प्रोसीडिंग की होनी चाहिए, इन दोनों में से कुछ होना चाहिए। देन सूट या प्रोसीडिंग आपका कहाँ होना चाहिए? इट मस्ट बी इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। तीसरा, राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली और स्पेसिफिकली सूट में इन्वॉल्व होना चाहिए, जो राइट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जो राइट है इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो आपका डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली सूट में इन्वॉल्व होना चाहिए। कहने का मतलब ये है जो सूट चल रहा है वो उसी पर्टिकुलर राइट से इंक्लूडेड रिलेटेड होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट है कि आपका सूट या प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी कल्यूसिव। पांचवा, अब इस पर हम बात करेंगे अभी, प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट जो है इट मस्ट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विद एनी पार्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूट में है वो हम किसी और पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। एंड तीसरा, ट्रांसफर जो है अगर हो गया तो वो अपोजिट पार्टी की राइट्स को अफेक्ट करेगा अगर ये ट्रांसफर हो गया। तो अब इस पे हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे सबसे पहले पेंडेंसी ऑफ सूट या प्रोसीडिंग, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा भाई पेंडेंसी इंपॉर्टेंट है। तो पेंडेंसी सूट का वो पीरियड होता है ये जहां पर केस आपका कोर्ट ऑफ लॉ के सामने है। पेंडेंसी का मतलब क्या है? कोर्ट ऑफ लॉ के सामने है एंड फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है, कंक्लूड नहीं हुआ है ये केस, ठीक है। फॉर इट्स फाइनल डिस्पोजल कोर्ट के सामने ये केस दे रखा है। डॉक्ट्रीन ऑफ लिस्पेंडेंस आपका उन ट्रांसफर पर अप्लाई होता है जहां पर पेंडेंसी ऑफ सूट या फिर प्रोसीडिंग होना इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? मैं सूट की अगर बात करूं तो सूट आपने पढ़ा होगा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट आपका सूट होता है, ठीक है, सीपीसी में आपने डेफिनेटली ये चीज देखी होगी। बट कमिंग टू प्रोसीडिंग, तो इसका मतलब क्या है? प्रोसीडिंग का मतलब है जुडिशियल एक्टिविटी। जुडिशियल एक्टिविटी एंड 52 के पर्पस से, एंड अगर मैं बात करूं प्रोसीडिंग का मतलब यहाँ पर यह है जुडिशियल एक्टिविटी, कोई भी जुडिशियल एक्टिविटी हो रही है तो उसको जुडिशियल उसको प्रोसीडिंग कहते हैं। एंड एक और चीज, सेक्शन 52 के पर्सपेक्टिव से कोई भी डिफरेंस नहीं है सूट एंड प्रोसीडिंग में। सूट एंड प्रोसीडिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे हम सिविल प्रोसीडिंग बोलते हैं ना, तो ये समवॉट उसी तरीके से सूट और सिविल प्रोसीडिंग दोनों आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जुडिशियल एक्टिविटी। फिर अगर इसी पे और फर्दर मैं बात करूं तो देयर वॉज अ केस ऑफ, चलो इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सीयूईटी से वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या चीज पहले इम्पोर्टेंट हो गई, पहला एसेंशियल क्या हो गया कि सूट या प्रोसीडिंग का पेंडेंसी में होना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा लिस पेंडेंस इसका नाम है, सूट या प्रोसीडिंग पेंडिंग में होना चाहिए, एंड जो सूट आपका है वो रिलेटेड टू टाइटल ऑफ सम प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंड उसी टाइटल पे वो डिस्प्यूट हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो है पेंडेंसी आपकी कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट में होना चाहिए, मतलब ऐसी वैसी कोर्ट ना हो, वो जो कोर्ट में हो जो कॉम्पिटेंट है, जो कोर्ट ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए कॉम्पिटेंट हो। ऐसा तो नहीं है कि एक्सेस ज्यूरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही है, ऐसा तो नहीं है लैक ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन है, ऐसा तो नहीं अब्यूज है। क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन होना चाहिए। तो सूट या प्रोसीडिंग जिसके टाइम पर प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर होती है वो पेंडिंग होनी चाहिए बिफोर द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन सिचुएटेड है, इफ इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, ठीक है, तो उसकी कोई भी कॉम्पिटेंसी नहीं मानी जाएगी, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी नहीं मानी जाएगी। आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन अगर है तो कोर्ट की कॉम्पिटेंसी नहीं मानी जाएगी, इसीलिए इस केस में कोर्ट जो है वो वैलिड डिग्री पास नहीं कर सकता। अगर कोई भी डिग्री पास करेगा कोर्ट तो उसको वैलिड डिग्री नहीं माना जाएगा एज टू अफेक्ट द ट्रांसवर्स पेंडेंट लाइट, ठीक है, ट्रांसफर्स पेंडेंट लाइट उसको अफेक्ट करने के लिए नहीं माना जाएगा कि वैलिड डिग्री उन्होंने ट्रांसफर किया है। राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन्वॉल्व। अच्छा, अभी जब हमने बात करी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेके वो सूट चल रहा है एंड उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचने की बात हो रही है, कोई बंदा है जो उसको ट्रांसफर करना चाहता है दोनों पार्टी में से, तो जो लिटिगेशन है आपका, लिटिगेशन ये आपका रिलेटेड होना चाहिए टाइटल से, या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्ट से, जिसको हम बोल रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में। सिर्फ आपने मियर मेंशन कर दिया इस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्लेंट में, दैट इज नॉट इनफ, उसके रिगार्डिंग पूरा मामला चलना चाहिए। इंटरेस्ट या टाइटल जो है वो आपका लिटिगेशन उसी टाइटल को लेकर है, आपका उसी इंटरेस्ट को लेके है। कौन से इंटरेस्ट या टाइटल को? इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी है। तो मेयर मेंशन करना इज नॉट इनफ, जो राइट्स होते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो डायरेक्टली और स्पेसिफिकली क्वेश्चन में होने चाहिए, डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली क्वेश्चन में होने चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी राइट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग सूट्स हेल्प करे गए हैं जो राइट्स इन्वॉल्व, क्वेश्चन ऑफ राइट्स इन्वॉल्व करते हैं, जैसे जैसे पार्टीशन है ना। अब पार्टीशन का सूट चल रहा है, पता लगा वहां पे कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक, तो कुछ है जिनमें क्वेश्चन ऑफ राइट्स होता है। दूसरा आपका सूट फॉर मॉर्गेज हो गया, सूट फॉर मॉर्गेज हो गया, फिर आपका सूट फॉर प्रीएम्पशन हो गया, फिर आ जाता है आपका इजमेंट सूट। ये कुछ आपके सूट्स हो गए जहां पर क्वेश्चन ऑफ राइट इन्वॉल्व होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, राइट का सवाल होता है। पार्टीशन में क्या है? डिवीजन करना है राइट्स का, किसकी कितनी राइट है। मॉर्गेज में क्या है? किसको कितनी प्रॉपर्टी जा रही है, मतलब मॉर्गेज कर रखा है तो कितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, कितने पैसे के लिए। प्रीएम्पशन अगेन, ठीक है, पड़ोसी के राइट की हम बात कर रहे हैं, अपने जानने वाले की राइट की बात कर रहे हैं। इजमेंट्री सूट, ठीक है, इजमेंट्री जिसमें डॉर्मेंट हेरिटेज और सर्वियंट हेरिटेज की हम बात कर रहे हैं, इजमेंट्री राइट्स की बात कर रहे हैं। तो ये सब वो होते हैं सूट जहां पर बात होती है राइट्स की। ना सूट कल्यूजिव नहीं होना चाहिए,
मतलब कि आपका सूट जो है मैलाफाइड इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. सूट इज कल्यूसिव. सूट कब कल्यूसिव माना जाता है? अगर मैलाफाइड इंटेंशन है. ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती का कोई गलत इंटेंशन से, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगला इसको बंदे को किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना कर पाए, इसलिए हमने सूट फाइल कर दिया. तो अगर ऐसा है तो फिर ये सूट आपका बेकार हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं था. तो सूट कल्यूसिव नहीं होना चाहिए. कल्यूसिव मतलब सूट आपका मैलाफाइड इंटेंशन के साथ फाइल नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब मैलाफाइड इंटेंशन है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो भाई ये फैक्ट से पता चलेगा. ठीक है, ये फैक्ट से पता चलेगा कि पार्टीज को अपनी रिस्पेक्टिव राइट्स पता थी इन द सूट. ठीक है, पार्टीज को अपनी रिस्पेक्टिव राइट्स के बारे में पता था इन द सूट, एंड कोई एक्चुअल डिस्प्यूट यहाँ पर नहीं था. कोई एक्चुअल डिस्प्यूट नहीं था, उनको अपनी राइट्स के बारे में मालूम था. अगर कोई तो एक्चुअल डिस्प्यूट अगर नहीं होगा तो पता चल गया कि बेकार में करा जा रहा है, कोई मुद्दा नहीं है. ठीक है, तो सच सूट, इसीलिए ऐसे सूट फिर क्या होंगे? ऐसे सूट फिक्शियस होंगे, जबरदस्ती की कहानी रचाई गई होगी. एंड एम क्या होगा? एम होगा थर्ड पार्टी को डिफ्रॉड करना. तो यहाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी को भी बेवकूफ बनाने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए. इंटेंशन मैलाफाइड नहीं हो, फिक्शियस नहीं हो. ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विद. प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी है या अदरवाइज डेल्ट विद होना जरूरी है, क्या मतलब है इसका? तो ट्रांसफर आपका होना जरूरी है, और वो ट्रांसफर कैसा होना चाहिए? ट्रांसफर इंक्लूड करता हो सेल, ट्रांसफर इंक्लूड करता हो लीज, ट्रांसफर इंक्लूड करता हो एक्सचेंज, ठीक है, मॉर्गेज एक्सेट्रा. ठीक है, इन सबको ट्रांसफर इंक्लूड करता हो. एक्सप्रेशन जो आपका अदरवाइज डेल्ट विद है, इसका मतलब है दोज ट्रांजेक्शंस, दोज ट्रांजेक्शंस विच डू नॉट स्ट्रिक्टली कम विद इन द एम्बिट ऑफ टीपीए बट देयर इज सम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. क्या मतलब हुआ? देखो, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड, हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, मतलब हम सेल करना चाह रहे हैं, हम या तो लीज करना चाह रहे हैं, हम एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, हम मॉर्गेज करना चाह रहे हैं, या अदरवाइज डील्ड विद. अदरवाइज डील्ड विद का मतलब क्या है? ये वो ट्रांजेक्शंस होते हैं जो विद इन द एम्बिट ऑफ टीपीए नहीं आते, मतलब कि टीपीए में जो आ रहा है उसका नाम मैंने आपको बता दिया. अब ये वो ट्रांजेक्शन है जो टीपीए में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है. जैसे ये कौन कौन से हैं? जैसे सरेंडर होता है, अपनी राइट्स को छोड़ देना, जैसे कि रिलीज होता है, सरेंडर रिलीज, ये सब एक जैसे टर्म है ना. फिर पार्टीशन, पार्टीशन तो आप समझ रहे हो, बंटवारा, लेकिन ये टीपीए में नहीं दिया गया है. ठीक है, तो क्या हो गया कि प्रॉपर्टी या तो ट्रांसफर करी जा रही है, अदरवाइज डील करी जा रही है, मतलब टीपीए में भले नहीं है लेकिन इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है. तो इन सब से समवेयर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इसको हम कहते हैं इस तरीके से कि आपका ये इंपॉर्टेंट है. तो सेक्शन 52 आपका किस चीज पर अप्लाई होता है, अब ये ध्यान रखिएगा. मैंने कई बार बोला है जो टीपीए है वो सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टीज पर अप्लाई होता है, टीपीए सिर्फ एक्ट ऑफ पार्टीज पर अप्लाई होता है, लेकिन ये वाली जो आपकी डॉक्ट्रिन है ये एक्ट ऑफ पार्टीज के साथ साथ ऑपरेशन ऑफ लॉ पर भी होता है. क्यों? क्योंकि कोर्ट पार्टीशन कराएगा, कोर्ट सरेंडर की बात करेगा, ये सब मैटर जो टीपीए में नहीं आ रहे वो कोर्ट के सामने कहीं ना कहीं इन एनी वे आएंगे, अदरवाइज डील विद करेंगे. तो इसलिए ये दोनों चीजें इंक्लूड जब हो जाएंगी तो आपका यहाँ पर मान लिया जाएगा कि सेक्शन 52 के अंदर ट्रांसफर हो रहा है. अच्छा, ट्रांसफर मस्ट अफेक्ट द राइट्स ऑफ एनी पार्टी. अब दोनों पार्टी में से अगर एक पार्टी ट्रांसफर करना चाह रही है तो ये निश्चित तौर पे दूसरी पार्टी की राइट्स को अफेक्ट करेगा. तो टर्म जो एनी अदर एनी पार्टी का मतलब है, उसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेंजर्स, इसका मतलब स्ट्रेंजर्स टू सूट नहीं है, इसका मतलब है दोनों पार्टी, अपोजिट पार्टी. एनी पार्टी का मतलब अपोजिट. अगर ए ने बेचा है तो बी अफेक्ट होगा, अगर बी ने बेचा है तो ए अफेक्ट होगा. ठीक है, जिसका इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर पेंडेंट राइट से अफेक्ट हो सकता है. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग इफ वन पार्टी इज ट्राइंग टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू सम अदर पर्सन, तो जो अपोजिट पार्टी थी वो उससे अफेक्ट कहीं ना कहीं होगी. तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिस्ट पेंडेंस? इफेक्ट क्या होता है लिस्ट पेंडेंस का? जब अगर सेक्शन 52 की कंडीशंस को फुलफिल कर दिया हो जाता है,
ठीक है, सेक्शन 52 की कंडीशंस अगर फुलफिल कर दी गई है कि पेंडेंसी के टाइम पे हमने ट्रांसफर नहीं किया, तो हम यहाँ पे किससे बाउंड है? हम कोर्ट के डिसीजन से बाउंड है। ठीक है, रिजल्ट ये है कि जो ट्रांसफर ही है वो डिसीजन ऑफ द कोर्ट से बाउंड है, बट अगर ट्रांसफर यहाँ पर कोर्ट की परमिशन से किया गया है तो सेक्शन 52 अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब समझना, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि पेंडेंसी के टाइम पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो मतलब नहीं कर सकते हो, तो आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पर कोर्ट ने आपको किसी भी केस में परमिशन दी है तब आप ट्रांसफर कर रहे हो, और अगर आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हो मतलब आप कोर्ट के डिसीजन से बाउंड हो। अब इस पूरी प्रोसीडिंग के बाद जो फाइनल कंक्लूजन कोर्ट देगी हम उसको मान लेंगे, हम उसको समझ लेंगे, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। अब मान लीजिए ए का टाइटल था, कोर्ट ने कहा अब से बी का टाइटल रहेगा तो बी का रहेगा, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर बी का था, अब कोर्ट ने कहा ए का रहेगा तो ए का रहेगा, ए का ही था, कोर्ट ने कहा ए का ही रहेगा तो वो रहेगा, जैसा कोर्ट कहेगी कोर्ट के डिसीजन से बाउंड हो जाएंगे। और फिर अगर ट्रांसफर किसी भी कीमत पे कैसा भी किया जा रहा है तो वो कोर्ट के कहने पर किया जा सकता है। ठीक है, उस केस में प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वॉज इट गाइज फ्रॉम माई साइड, डॉक्ट्रीन ऑफ लेस पेंडेंस। छोटा सा डॉक्ट्रीन है तो ठीक ठाक समझने वाला पढ़ने वाला, लेकिन मैंने आपको फटाफट से बता दिया है। एक बार सेक्शन 52 जाके जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें ये पूरा मेंशन है, आप एक बार वहां जाके देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। सारी चीजें जो मेंशन है वो मैंने आपको बता दी हैं। इसी तरीके से मैं और हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव सेशंस आपके लिए लेके आती रहूंगी, तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो जरूर देखें सारी की सारी। एंड अगर सेशन पसंद आया होगा लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले सेशंस आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।